जैसे आपने वीडियो में देखा था कि पहले मेरे हाथ में क्या था, नॉर्मल एक बीकर था, उसके अंदर मैंने एक को डाला। जब एक को डाला तो यहाँ पे क्या लगेगा, बायोन फोर्स लगेगा, लेकिन इस केस में जो बायोन फोर्स है उतना स्ट्रांग नहीं होगा, तो वो एक नीचे आके सेटल हो गया। लेकिन अगर मैं, मेरा कंटेनर इसके अंदर वाटर है, इसके अंदर अगर मैं सॉल्ट ऐड करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप, सॉल्ट सोल्यूशन है। यहाँ पे मैंने जब सॉल्ट ऐड किया तो हमारा जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या है, दोनों केसेस में सेम है, ठीक है, वॉल्यूम दोनों केसेस में सेम है, लेकिन जैसे आपने सॉल्ट ऐड किया उसकी वजह से इसका मास बढ़ गया। अगर इसका मास बढ़ गया तो क्या हो गया, इसकी डेंसिटी भी इंक्रीज हो गई। इसलिए आप बायोन फोर्स का फॉर्मूला देखिए, बायोन फोर्स इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू वी, ठीक है। इस केस में जी तो सेम है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस भी सेम है, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी बढ़ गई, डेंसिटी बढ़ गई इसकी वजह से ही यहाँ पे बायोन फोर्स बढ़ गया। इसलिए अगर इसमें मैंने एक डाला तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक यहाँ पर सिंक नहीं करेगा, ये यहाँ पर सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।